अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुल्फा जहान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हरा मिर्च का चटनी का रेसिपी, जो मैं बनाती हूं। जिस तरीके से मैं बनाती हूं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत मज़े की बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लूंगी कढ़ाई में तेल, 2 टीस्पून जैसा तेल लूंगी। गर्म होने के बाद उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून जैसा मूंगफली, या तो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। देने के बाद थोड़ी देर चला लेंगे। चलाने के बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। उसके बाद और थोड़ी देर इसको चला के इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट, थोड़े से टुकड़े, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें। उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, इसीलिए मैं 10-12 मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च। आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। फिर स्वाद अनुसार नमक, ऐड करने के बाद इसमें मैं मेरे किचन गार्डन का धनिया पत्ती जितना निकला है मैं उसको ऐड कर रही हूँ। धनिया पत्ती ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा ही ये टेस्टी होगा। और साथ में आप इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब लगे कि मिर्ची थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बस इसको बंद करें, फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके इसको ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लें, या तो आपके पास अगर ओखली है ओखली में कूट लें। ये देखिए, ये इस तरह से पीसा गया है दरदरा सा। और लास्टली हम इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस मिला के इसको डन करेंगे। और ये मज़ेदार चटनी, हरी मिर्च का चटनी, ग्रीन चिली का चटनी तैयार है। ये मुझे चावल के साथ सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, रोटी पराठा के साथ भी टेस्टी लगेंगे। आपका मर्ज़ी के हिसाब से आप खा सकते हैं, जिसके साथ मर्जी हो आपका। तो आप देख लिया ना कितना आसान है इसका चटनी बनाना। तो आप लोग भी इसको बनाइए, खाइए, खुश रहिए और मेरा अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।